नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता रहा, वहीं मानसून की विदाई के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे लोग राहत की सांस ले सकेंगे। साथ ही लगातार हो रही बारिश से निजात मिल पाएगी। वहीं राजधानी देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कुहासा व उसके पश्चात धुंध रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड के इन शहरों में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 69 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 4 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 92 रुपए 84 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 37 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 33 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 92 रुपए 98 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। यूपीएससी प्रीलिम्स आज। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के परीक्षा आज होगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोविड 19 के सख्त प्रोटोकॉल लागू होंगे। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा हॉल में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियम अनिवार्य होंगे। आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब कोच अब 6 महीने बाद खोला जाएगा। कोविड के चलते इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट चारधाम यात्रा के साथ 18 सितंबर को खुले थे। चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में भाग लेंगे, जिसके बाद जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ रहेंगे। अजय भट्ट पहुंचेंगे हल्द्वानी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील करेंगे। संघ परिवार मिलन कार्यक्रम। हल्द्वानी में आज संघ परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सर संघ चालक मोहन भागवत शामिल होंगे। भागवत 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे हैं। उत्तर भारत से विदा होगा मानसून। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर पश्चिम की हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही मानसून विदाई की तैयारी में है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में पूरी तरीके से विदा हो जाएगा। UK SSSC रिक्रूटमेंट। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा ड्राइवर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट आज है, फिर आवेदन का लिंक हटा दिया जाएगा। इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट SSSC.UK.GOV.IN पर जाकर आवेदन करें। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। IPL क्वालिफायर मुकाबले शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आखिरी पड़ाव अब शुरू हो गया है। लीग मैचों की समाप्ति के साथ ही प्लेऑफ की जंग शुरू होगी। पहले क्वालिफायर मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दुबई में होगा। क्वालिफायर एक में जो टीम जीत जाएगी वह सीधे फाइनल में जाएगी। जो टीम इस मुकाबले में हारेगी उसे एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से मुकाबला करना होगा। देहरादून कैंट एरिया से फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार। जाली दस्तावेजों से करता था ठगी, 4 दिनों में दूसरी गिरफ्तारी। उत्तराखंड STF ने एक फर्जी लेफ्टिनेंट अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी देहरादून के सैन्य क्षेत्र में घूम रहा था, तभी STF ने उसे दबोचा है। आरोपी का नाम सचिन अवस्थी है, जो खुद को भारतीय सेना में अधिकारी बताकर युवाओं से आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करता था। STF को आरोपी के पास से सेना की वर्दी और फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। फिलहाल STF आर्मी इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी से पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। ये है उत्तराखंड की बेटी दीपिका बनेगी कनाडा के एक दिन की हाई कमिश्नर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के मौके पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली 21 साल की दीपिका को बहुत बड़ा मौका मिला है। दीपिका भारत में कनाडा के एक दिन की उच्चायुक्त बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल लखीमपुर खीरी की घटना पर राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड और पंजाब के प्रभारी ने दावा किया है कि इस राज्यों में इस घटना का असर नहीं पड़ेगा और बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी।
रुद्रप्रयाग में नहीं खुलेगा सैनिक स्कूल, केंद्र सरकार ने बजट देने से किया इनकार। सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई में 9 साल से अधर में लटके हुए इस स्कूल के निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार ने बजट देने से मना कर दिया। राज्य सरकार को अपने खर्च पर स्कूल बनाना होगा। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेकर शिक्षा विभाग को केंद्र से बजट के लिए दोबारा अनुरोध करने को कहा है, साथ ही स्कूल के लिए राज्य स्तर से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तराखंड फेवरेट डेस्टिनेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई नीति बनाएगी सरकार। वैश्विक महामारी कोरोना की दस्तक के बाद फिल्म जगत में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के दौरान सिनेमा हॉल बंद होने के चलते फिल्म प्रोडक्शनों ने फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना शुरू कर दिया। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नई नीति बनाने जा रही है। नैनीताल, आखिरकार पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, मासूम को बनाया था निवाला। वन विभाग की टीम ने आखिरकार मटियाली गांव में मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को पकड़ लिया है, जिसे अब रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए थे, जिसमें एक पिंजरे में गुलदार कैद हुआ। वहीं गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। काशीपुर में बेकाबू ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंदा, हादसे में 2 की मौत। परमानंदपुर के पास फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में एक मजदूर व टक्कर मारने वाले ट्रक चालक भी मौके पर मौत हो गई, वहीं घायल 4 मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बीते देर रात की है। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में मिला किंग कोबरा प्रजाति का सांप, लोगों में दहशत। झड़ी पानी क्षेत्र में ओक ग्रोव कि मुख्य सड़क पर किंग कोबरा प्रजाति का एक जहरीला सांप मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फाना में सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किंग कोबरा सांप को पकड़ा। बाद में इस जहरीले सांप को जंगल में छोड़ा गया। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस करेगी हवन, कृषि कानून का करेगी विरोध। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस नवरात्रि में हवन करेगी। कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत भैसोड़ा ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बागेश्वर चंडिका मंदिर में नवरात्रि के मौके पर लखीमपुर खीरी घटना के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हवन यज्ञ करे, साथ ही तीनों कृषि कानूनों का विरोध सड़क से सदन तक विरोध करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज लक्सर दौरा, तैयारियां पूरी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लश्कर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुल्तानपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खिरसों में बहुउद्देश्यीय शिविर में शामिल हुए धन सिंह रावत, समस्याओं का किया निस्तारण। खिरसों विकासखंड में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना काल में सेवा देने वाले आशा वर्कर्स, ANM, वार्ड बॉय और पर्यावरण मित्रों को कोरोना वॉरियर्स प्रमाण पत्र वितरित किए। कॉर्बेट में जिप्सी रोटेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी, संचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कॉर्बेट में रोटेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर जिप्सी संचालकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी का पुतला भी फूंका। भारत चीन सीमा पर मलारी गांव में पुलिस बॉर्डर विकास मेले का आयोजन, पौड़ा नेतृत्व ने खींचा ध्यान। भारत चीन सीमा से सटे सीमांत गांव मलारी में 2 दिवसीय पुलिस बॉर्डर विकास मेले का आगाज हो गया है। मेले का आगाज पौड़ा नृत्य के साथ हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा। आपसे मोहभंग, चुनाव की चुनौती से पहले ही भागने लगे आपके सिपहसलार, कर्नल की एंट्री से मची भगदड़। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मुश्किलों से गुजर रही है। सिपहसलार चुनौती आने से पहले ही भागने लगे हैं। हालत यह है कि पिछले 2 हफ्ते में ही पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल की एंट्री के बाद पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनती जा रही है। देहरादून में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिलाओं की गरीबी का फायदा उठाकर कराते थे गंदा काम। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने बंजारा वाला इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सेक्स रैकेट एक घर में चल रहा था। पुलिस को घर के अंदर कई आपत्तिजनक वस्तुएं और 15,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। CDS बिपिन रावत से मिले मंत्री गणेश जोशी, इको टास्क फोर्स के गठन को लेकर चर्चा। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के रेजिमेंटल सेंटर को इकोलॉजिकल टास्क फोर्स की स्थापना और देहरादून में ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस कार्यालय स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक सहयोग मांगा। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने जनरल रावत को प्रादेशिक सेना दिवस की भी बधाई दी।
भैरव सेना ने फूका देवस्थानम बोर्ड का पुतला, सरकार पर लगाया पौराणिक परंपरा तोड़ने का आरोप। ऋषिकेश में भैरव सेना ने देवस्थानम बोर्ड और सरकार का पुतला फूका। उन्होंने नारेबाजी कर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की, साथ ही सरकार पर पौराणिक धार्मिक परंपरा को तोड़ने का आरोप भी लगाया। इस दल ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट किया फतह, 11 देशों में 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा पैदल तय किया सफर। शनिवार को देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के 4 सदस्य पर्वतारोहियों का दल मिला। ये दल 11 देशों में 4 लाख किलोमीटर की पैदल सफर तय करके कीर्तिमान रच चुका है। पीरानकलियर दरगाह में बेअदबी का मामला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पीरानकलियर में साबिर पाक का 753वां उर्स शुरू हो चुका है। दरगाह परिसर के साबिर पाक की दरगाह में बेअदबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरगाह परिसर में ही सज्जादा परिवार के लोग रेलिंग फांद कर दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां सवाल उठता है कि जब सज्जादा परिवार की दरगाह में बेअदबी कर रहा है तो और लोग क्या करेंगे? वहीं दरगाह प्रशासन के वह लोग कहां हैं जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेताओं के दौरे पर कांग्रेस हमलावर, कहा काम किया होता तो मैदान में उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दमखम से तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में पार्टी नेताओं के दौरे को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। देहरादून में जाम की समस्या आम, परेशान हो रही आवाम, नया ट्रैफिक प्लान धड़ाम। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था वर्तमान समय में अपने सबसे बदहाल स्थिति से गुजर रही है। सुबह से लेकर शाम और रात तक शहर के हर हिस्से में ट्रैफिक जाम की स्थिति अब आम बात हो गई है, जिसके कारण हर रोज लोगों को दो चार हाथ होना पड़ता है। शहर के एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लोगों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है। सड़कों पर घंटों वाहन रेंगते नजर आते हैं, जिसके कारण सड़कों पर वाहन की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के बदहाल होने का सबसे बड़ा कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसका अव्यवस्थित निर्माण कार्य, लेट लतीफी और हर दिन जारी होता नया ट्रैफिक प्लान है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।